सो हेलो बीबी फैमिली। तो कैसे है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक की सर्वाइवल सीरीज। और हाँ गाइस, आप सभी लोग सही देख रहे हैं, मेरे को जो है फोकट के इमोट्स मिल चुके हैं। अगर आप लोग को भी जानना कि मुझे फोकट का जो इमोट्स है और म्यूजिक है वो कैसे मिला है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आप लोग को जो है जरूर से बताऊंगा कि मुझे फोकट के इमोट्स और जो फोकट का म्यूजिक है वो कैसे मिला है। और हाँ गाइज, इसी के साथ मैं आप लोग को एक बात और भी बता दूँ, आप लोग के लिए इस वीडियो में जो है एक दो अनाउंसमेंट्स जो कि मुझे करनी थी, तो मैंने जो है इस वीडियो में एक दो अनाउंसमेंट्स की हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को जो है वो अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी। तो खैर गाइज, अभी ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं सीधा वीडियो में। और आज मैं आप लोग को बता दूँ, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने जो है बेस्ट 10 को जीत लिया था और वहाँ से सारा का सारा सामान लूट करके मैं आ ही रहा था, तो मेरे को जो है बीच में एक नेदर फोर्टिस मिल गई थी। तो मुझे आज गाइज जाना है सीधा नेदर फोर्टिस में ब्लेज रोड को लाने के लिए, जिससे कि मैं ब्रीविंग स्टैंड बना लूंगा और ब्रीविंग स्टैंड से फिर मैं पोशंस बना करके विलेजर्स को ला सकता हूं अपने वन ब्लॉक में। तो चलिए गाइस, अभी ज्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं सीधा वीडियो में। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं वीडियो में। और गाइज आज मैं नेदर फोर्टिस के लिए अपने साथ में एक डायमंड की स्वॉर्ड, डायमंड की पिकैक्स और थोड़े से ब्रेड वगैरह लेकर के जा रहा हूँ। तो अभी चलता है गाइज हम लोग सीधा नेदर में। और यार एक सेकंड, यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी शीप्स है ना, तो मैं इनको थोड़ी सी वीट खिलाता हूँ। एक सेकंड, इसमें तो नहीं है, और इसमें यहाँ पे मेरे पास 6 वीट पड़ी है, तो मैं अपनी जो शीप्स को खिला देता हूँ। अगर दरअसल क्या होता है ना कि अगर मैं इन लोग को खाना नहीं खिलाता हूँ ना, तो ये लोग अपने आप ही मर जाती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इन लोग को जो है ना खाना खिला करके चला देता हूँ। और तू भी खा के, ले तू खा ले। और यार ये एक वीट मेरे पास में पड़ी है यार, इसको क्या मैं वापस ही रखूंगा। एक सेकंड, मैं कहीं पे किसी ने किसी को तो खिला ही देता हूँ। एक सेकंड, तू खाएगी क्या? नहीं, तू भी खाएगी? नहीं। और कोई है क्या यहाँ पे खाने के लिए? एक सेकंड, तू खाएगी क्या? छोटे, चलो ठीक है। तो गाइस अभी हमारे पास जो वीट है वो खत्म हो चुके हैं। मैं बाद में, ऊपर मैंने फार्मिंग की हुई है तो मैं वहां से तोड़ लूंगा बाद में। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं सीधा अपने नेदर में। और गाइस नेदर जाने से पहले मैं आप लोग को जो अपना एक्सपी फार्म भी दिखाई देता हूँ। जो लोग यहाँ पे नए हैं उन लोग को मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने एक एक्सपी फार्म बनाया था। ये मैंने स्पॉनर से बनाया है एक्सपी फार्म। अगर आप लोग को इसकी वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में चमक रही होगी, इस वाली वीडियो के खत्म होने के बाद में आप लोग उसको देख सकते हैं। और अभी गौचू कहेंगे मुझे क्यों मारा नूब, अभी नहीं मरना मुझे, अभी मुझे नेदर जाना है, वहाँ पर जाके मारूंगा ना मैं पगला कहीं का। तो खैर गाइस, आप लोग जो है ये एक्सपी फार्म आराम से देखते रहना, अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ नेदर में। और गाइस फाइनली अभी मेरी एंट्री हो चुके है नेदर में। और भाई साहब मुझे को जो है ना यहाँ पे घास की आवाज़ आ रही है, भाई साहब मोको डर लग रहा है यहाँ पे। भैया इधर उधर से आ मत जाइए कहीं से, भाई साहब मुझे पता नहीं कहीं पे दिख तो नहीं रही है वो घास। फिलहाल कोई नहीं गाइस, तो लास्ट टाइम जैसे कि आप लोग को याद होगा मैंने टॉर्चेज लगा दी थी अपने आने जाने के लिए। मैं हमेशा जो है टॉर्चेज लगा देता हूँ, जिससे कि मुझे मेरा जो रास्ता वो याद रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए बस मुझे अपनी जो टॉर्चेज है वो फॉलो करनी है। और गाइस जितनी देर में मैं नेदर फोर्टिस तक पहुँचता हूँ, उतनी देर में मेरे जो लास्ट वीडियो के शाउट आउट्स मैं उनको पढ़ लेता हूँ। तो गाइस जो मेरे लास्ट वीडियो के शाउट आउट्स हैं उनमें जो सबसे पहला नाम है वो है अमांशु सिंह, अभिनव देशमुख, सौर्या सिंह, राज प्रधान, संतोषी सिंह, लव शर्मा, मोहम्मद आतिक, ऑलवेज पावरफुल INC, शौर्या, अदरिता, रवनीत, तुषार पाटिल और ब्लैकी ओपी। तो गाइज आप सभी को मेरी ओर से ह्यूज शाउट आउट और थैंक यू फॉर द कमेंटिंग इन माय वीडियोस। और गाइज उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। और गाइज अगर मैंने किसी का नाम गलत पढ़ा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और हाँ गाइज अगर आप लोग यहाँ पर नए तो आप लोग को भी चाहिए शाउट आउट, तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना। आप लोग को या तो कोड इस वीडियो में अभी तक मिल गया होगा या आगे कहीं भी कोड मिल जाएगा जो कि आप लोग को टॉप 10 लोगों में सबसे पहले कमेंट करना होगा, तो मैं आप लोग को भी जो है नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। और गाइस जब हम लोग इतनी ही बात कर रहे हैं तो मैं लोग जो है आप लोगों से अनाउंसमेंट की भी बात कर लेता हूँ। दरअसल काफ़ी टाइम से कुछ लोग हैं जो कि मुझे बोल रहे हैं भाई आप फ्री फायर खेलो, फ्री फायर खेलो। तो गाइस आप लोग मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे फ्री फायर खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए। दरअसल मेरे पास में 2 ऑप्शन है, एक तो फ्री फायर का है और एक माइनक्राफ्ट स्पीड रन का। तो अगर आप लोग बताना मुझे कि मुझे क्या खेलना चाहिए। और हाँ गाइस मुझे जो है मैं दोनों चीजों में नूब हूँ, स्पीड रन में भी और फ्री फायर में भी। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि मुझे ये खेलना चाहिए तो मैं आप लोगों में से ही कुछ लोगों को चुनूंगा जो कि मुझे खेलना सिखाएंगे, स्पीड रन भी या फिर माइनक्राफ्ट, जो भी आप लोगों का मन करेगा। उसके लिए मैं जो एक अलग से कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँ या फिर हम लोग चाहे तो अमोंग अस भी खेल सकते हैं। तो गाइज आप लोग को जो भी पसंद हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं नेक्स्ट वीक जो सोमवार होगा उससे मैं वीडियोज उसकी डालना शुरू कर दूंगा। और उससे पहले जब भी रिकॉर्ड करना होगा, जब भी आप लोगों के साथ में मुझे खेलना होगा, मैं उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। तो खैर गाइस अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग चलते हैं फिलहाल के लिए अपनी वापस वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इस लावा को बंद कर देता हूँ, कहीं मैं इसमें गिर के मर ना जाऊँ। और हाँ गाइस आप लोग जो है इस लावा को जरूर याद रखना लास्ट तक, क्योंकि आप लोग को इस लावा की जो कहानी है वो लास्ट में जरूर पसंद आएगी। अभी फिलहाल के लिए गाइस अभी मुझे नीचे जाना होगा अपनी नेदर फोर्टिस के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना लेता हूँ और आई थिंक इतना ठीक है, अभी यहाँ से मुझे नीचे कूदना पड़ेगा आई थिंक। तो यार मैं कहीं मर ना जाऊँ, नीचे लावा भी है और
इधर उधर अगर मैं गिर के मर गया ना तो मैं मर जाऊंगा यार। वो सामने ही वैसे नेदर फोर्टिस, चलो खैर कोई नहीं, अभी नीचे कूद चुका हूँ मैं और बस थोड़ा थोड़ा करके मुझे नीचे जाना पड़ेगा ऐसे ही संभाल संभाल के। अभी फिलहाल तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। और यार ये सोल सैंडर ने सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब कर देते यार, इतना स्लो स्लो करते हैं। और मुझे यहाँ पे घास की आवाज़ आ रही है यार हल्की हल्की, पता नहीं मुझे आप लोग का आ रही है कि नहीं आ रही है। खैर कोई नहीं, एक सेकंड में यहाँ से अभी मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ओ भाई इधर तो लावा ही लावा है और यहाँ से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर मुझे कहीं भी नेदर फोर्टिस नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे बस एक ही पिलर खड़ा हो नेदर फोर्टिस और ऊपर जाने के बाद मेरा पोपट हो जाए। खैर कोई नहीं, अब जो भी मिलेगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए तो मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। और एक सेकंड, इतना बहुत गया यार, ब्लॉक्स मेरे पास खत्म हो गए। एक सेकंड मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ ये जो सोल सैंड है, सोल सोइल है, एक सेकंड, सोल सोइल है, सोल सैंड नहीं है। तो अभी मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा दो ब्लॉक्स और। अबे यार ये फिर से ऊपर अटक गया, एक सेकंड ये मैं तोड़ देता हूँ और थोड़ा सा अभी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एक सेकंड। अबे यार ब्लॉक्स, अरे यार ब्लॉक्स मैंने हाथ में ही नहीं लिए। और भाई अब तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड मैं यहाँ से दो चार ब्लॉक्स और तोड़ता हूँ। अभी आ गया क्या? अरे भाई कितना ऊंचा है यार, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को कितना ऊपर जा करके रुकेगा। अच्छा ये यहीं तक है भाई, यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। एक सेकंड यहाँ पे टॉर्च लगा दी मैंने। ओ भाई सब क्या अंधेरा यार, मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा ना कि जब भी नेदर में आऊँगा ना तो अपना जो ये ग्राफिक्स है ना, शेडर्स वगैरह, वो सारे के सारे हटा दूंगा, जिससे कि ना मुझे थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाएगा आगे। ओ भाई सब, एक सेकंड यहाँ तो मुझे आते साथ ही नेदर वॉट मिल गया भाई। अब ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि मुझे अब जो है ना नेदर वॉट को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम आप लोग को याद होगा जब मैं अपनी रेगुलर जो सर्वाइवल सीरीज उसमें आया था तो मुझे नेदर वॉट ढूंढने के लिए कितना ज़्यादा घूमना पड़ा था। तो अभी तो मुझे यहाँ पे नेदर वॉट जो है ईजिली मिल चुका है। खैर कोई नहीं, अभी यहाँ से मैंने तोड़ लिया और ये दूसरी साइड भी होते हैं, हाँ ये रहे, तो यहाँ से भी मैं सारे के सारे नेदर वॉट को तोड़ लेता हूँ। और इससे अब मुझे पोशंस बनाने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। वैसे तो मैंने घर पे जो नेदर वॉट लास्ट टाइम मुझे वहाँ से मिले थे बैस्टियन से, वहाँ से मैंने जो है जा करके उगा दिए हैं, जिससे कि अभी तक आई थिंक वो भी बड़े हो गए होंगे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान दिया नहीं है। और यार ये फिर से यहाँ पे अंधेरा हो गया। खैर कोई नहीं, अभी मैं घर से टॉर्चेस तो लाया हूँ। और भाई अरे वापस 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 भाई, मुझे घास ढूंढ, सॉरी ब्लेज मुझे ढूंढनी थी, लेकिन इतना जल्दी मुझे मिल जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। अबे मरना घोचू मर जा बे, अबे रोड देखे जाइए। और भाई बड़ा लीचड़ था यार ये तो, एक नंबर का लीचड़ इंसान था। एक ब्लेज रोड देनी होती ये वो भी ना दे करके गया मुझे भाई, इतना कितना कमीना इंसान था भाई, नहीं दी इसने मुझे। खैर कोई नहीं, अभी खाना खा करके मैंने अपना पेट तो भर लिया है। और एक सेकंड मुझे इधर जाना चाहिए, आई थिंक इधर में रोशनी हो रखी है। और यार यहाँ पे अभी ये चार रास्ते हो गए, किधर जाऊँ मैं? एक सेकंड मैं पहले राइट साइड में चलता हूँ, यहाँ पे मैं ये लगा लेता हूँ एक सेकंड, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मैं इधर गया था। और एक सेकंड यार इसको तोड़ देता हूँ, इससे कि ना दरअसल मुझको ज़रूरत है ये ब्रिक्स की, क्योंकि इससे मैं कुछ बनाने की सोच रहा हूँ, वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगा कि मैं क्या बनाऊँगा। फिलहाल मैं यहाँ से गोल्ड ले लेता हूँ, ये गोल्ड भी मेरे काम आने वाला है, क्योंकि वन ब्लॉक में ना भाई साहब इधर उधर माइनिंग कर मैं नहीं सकता, और सिर्फ गिनी चुनी चीज़ें ही मुझको मिलती हैं वन ब्लॉक में। तो अभी मुझे जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे ना, सारे के सारे मैं लेकर के चलूँगा अपने साथ में। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैंने यहाँ से गोल्ड जो है कलेक्ट कर लिया, अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ आगे। सबसे पहले मैं इधर देखता हूँ क्या है। और भाई साहब ये तो यहाँ पे आते साथ ही तो ये ख़त्म हो गया भाई, घुसते साथ ही रास्ता ख़त्म हो गया। एक सेकंड मैं यहाँ पे ना अभी ये ब्लॉक्स लगाता हूँ, एक सेकंड, जिससे कि ना मुझे पता रहेगा कि अब मुझे इधर की तरफ में नहीं जाना, ठीक है। और अभी मैं इधर चलूँ कि इधर चलूँ, एक सेकंड इधर चलता हूँ मैं, अब देखता हूँ इधर में की तरफ में क्या है। और यहाँ तो भाई अंधेरा हो गया भाई, एक सेकंड मैं यहाँ पे टॉर्च लगा दूँ क्या, यहाँ पे कुछ है ऊपर जाने के लिए? एक सेकंड मैं टॉर्च लगाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे, और हाँ ये ठीक है। अभी मैं देखता हूँ ऊपर में साइड में रास्ता तो दे रखा है इन लोगों ने। और भाई यार ये भी आते साथ ही ख़त्म हो गया, एक सेकंड इसके पीछे कुछ है क्या? नहीं भाई ये तो इसके पीछे भी कुछ नहीं है, ना ना मुझे नहीं लगता भाई इसके पीछे कुछ है। खैर कोई नहीं, अभी वापसी चलता हूँ मैं नीचे यहाँ से। और एक सेकंड अपनी टॉर्च तो ले लूँ यहाँ पे, अब टॉर्च की क्या ज़रूरत, अभी आना ठीक है, टॉर्च आ गई क्या? हाँ टॉर्च आ गई मेरे पास में। और ये गोल्ड है यहाँ पे थोड़ा सा, तो मैं गोल्ड भी ले ही लेता हूँ यहाँ से, फालतू में यार यहाँ पे पड़ा रहेगा कुछ फ़ायदे का नहीं, अच्छा तो मेरे कुछ काम आ जाएगा ये। और एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा और है गोल्ड। ओ भाई लावा आ गया। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, अबे अबे एक सेकंड, एक सेकंड मेरे गोल्ड चला गया, अबे गोल्ड चला गया मेरा। ओ भाई मेरे को जलन हो रही है यार, इसने मेरा गोल्ड जला दिया और अब मुझको भी जला रहा है ये, मेरी जलन है अंदर की जो कि मेरे को दिख रही है और आप लोग को भी दिख रही है। बस ये यहाँ पे अब ये एक ब्लॉक बचा यार, क्या यार इतना सारा गोल्ड था यहाँ पे और सारा का सारा जल गया लावा में। यार कोई नहीं, अब जो भी है वही ले करके चलना पड़ेगा। और यहाँ से यार ये मैं ग्लो स्टोन भी ले ही लेता हूँ यहाँ पे, अब ये लगा पड़ा किसी काम का नहीं है, ऐसा तो मैं अपने साथ ही ले जाता हूँ इसको। और ये लास्ट बचा इसको भी ले लिया मैंने, अब यहाँ पे अंधेरा हो गया। एक सेकंड चलो अब कुछ नहीं है। और मैं यहाँ भी जो है ना ब्लॉक्स लगा देता हूँ, मेरे पास में फालतू ब्लॉक्स पड़े हैं, तो इससे दरअसल होगा क्या ना कि मैं इधर उधर भटकता फिरूंगा नहीं, मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इधर नहीं जाना है। और ये इधर की साइड में मैं लगा ही देता हूँ ब्लॉक्स थोड़े से ठीक से, हाँ अब इससे मुझे पता रहेगा कि मुझे इधर की तरफ में जाना और इधर की तरफ मुझको नहीं जाना है।
तो अभी मैं चलता हूँ, सबसे पहले टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आप लोग को मुझे पता है कि नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो वैसे दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, लेकिन बिल्कुल जो क्लियर विजन जो आता है ना वो नहीं मुझको दिख रहा है। और भाई साहब ये क्या है, एक सीनियर मुझको ना ब्लेज ढूंढनी है, बस ब्लेज मिल जाए ना तो मैं ब्लेज रो नहीं 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 ओ भाई मुझको ब्लेज ढूंढनी थी भाई साहब, ये तो बिल्कुल बगल में चिपक के घूम रही है मेरे तो। ओ भाई एक सेकंड, अबे चल चल निकल यहाँ से, ब्लेज रोड दे ब्लेज रोड दे ब्लेज रोड। ओ भाई दो दो यहाँ तो, अबे चल ना तेरी आ सकती थी। एक सेकंड भाई, तीसरी भी है यहाँ पे, मेरे को छुपना पड़ेगा। भाई ये रही उड़ रही है हवा में, उड़ रही है भाई साहब, ये तो भूत परेत की तरह उड़ रही है हवा के अंदर में। चलो तेरे वो भी मरेगी, चल चलो भाई इसको तो निपटा दी मैंने। एक सेकंड भाई, यहाँ पे एक और भी ब्लेज है, तुम लोग को दिखी कि नहीं दिखी मुझे नहीं पता, वो रही। और भाई 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 एक सेकंड, दो है यहाँ पे, एक इसके पीछे भी है। चल तू निकल, और अभी वो है, जल्दी 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 मर जल्दी मर जल्दी मर जल्दी मर। ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है। और इधर में क्या भाई, इधर तो यार ये ब्लॉक है। ओ ब्लेज 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 भाई साहब। ओ भाई एक सेकंड, ये इधर भी यार, ये तो चारों तरफ में फैली हुई है। एक सेकंड, ऊपर इनका स्पॉनर है भाई, मुझे स्पॉनर को करना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन स्पॉनर को भी मैं बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्पॉनर से ही तो ब्लेज मिलेंगी और फिर उसी से मुझे को ब्लेज रोड भी मिलेगी। एटलीस्ट यहाँ से कम 8 से 10 तो ब्लेज रोड मुझको लेकर के जानी पड़ेंगे, जिससे कि मुझे को बार बार नहीं आना पड़ेगा। तो खैर कोई नहीं, अभी देखते हैं यहाँ पे जितनी भी ब्लेज आएंगी ना उतनी को मैं मार मार के यहाँ से ब्लेज रोड ले लेता हूँ। और अभी फिलहाल तो मेरे पास में 4 ही ब्लेज रोड है फिलहाल, अभी यहाँ से देखते हैं मुझे यहाँ से कितनी ब्लेज रोड मिलेंगी। और अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा लिया है और पता नहीं यार यहाँ पे अब क्यों स्पॉन नहीं हो रही है। मैं यहाँ से ग्लोस्टोन तोड़ता हूँ इतने, और देखते हैं यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए तो। नहीं यार अभी तक तो यहाँ पे कोई भी स्पॉन नहीं हुआ है। और भाई यहाँ पे घमासान हो रखे इन लोग के बीच में भाई। एक दिन ये सफ़ेद वाला स्केलेटन आ रहा बैठना घुचू, और ये वाली ब्लेज को मैं निपटा देता हूँ। एक दिन चल 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 मर 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 मर, आग का गोला नहीं आग का गोला नहीं, चल तेरी आ सकते थी, कहाँ गायब हो गई। भाई यार ये ब्लेज रोड तो दे नहीं रही मुझको। ओ भाई नहीं 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 नहीं, अबे काले स्केलेटन यार ये दिखते नहीं है भाई साहब, क्या बिल्कुल जक काले होते ना जो बिल्कुल डीप ब्लैक वो कलर में आते हैं यार ये लोग, बिल्कुल भी नहीं दिखते यार ये लोग। और भाई मैं मर ना जाऊँ भाई, 3 हार्ट पे मैं बचाऊँ, 4.5 हार्ट पे मैं बचाऊँ बिल्कुल। ये मतलब मोटा मोटी 1 हार्ट पे मैं बचा था, लगभग 1.5 हार्ट ही था वैसे तो, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं जिंदा हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और भाई मैं ना यहाँ से जब तक हिलूंगा नहीं जब तक यहाँ से मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ नहीं भर जाते हैं। फिलहाल फूड तो मेरा पूरा खा रखा है मैंने, लेकिन बस हेल्थ मेरे को चाहिए, तो मैं हेल्थ होने तक यहीं पर रुकूंगा अभी। तो गाइज अभी यहाँ पे मेरी जो हेल्थ है वो तो भर चुके है, लेकिन अभी यहाँ पे जो मेरा पाला पड़ा वो ब्लेज है, और यहाँ पे एक नहीं दो दो ब्लेज है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और भाई मर जा प्लीज, मर जा। ओ भाई ये तो मर गई। ओ सेकंड, भाई तू भी मर जा भाई, इसका दिमाग गर्म हो गया, मुझे को यहाँ से भागना पड़ेगा नहीं तो आग की गोली फेंकेगी। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम ध्यान से करना पड़ेगा। और भाई एक सेकंड, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो सामने एक जुगनू चमक रहा है, ये देखो अब चमकता हुआ दिखा तुम्हें ये जुगनू। भाई साहब ये इतना ज़्यादा डीप ब्लैक है ना, समझ में नहीं आता भाई साहब ये कहाँ पे छुप के रहता है, भाई साहब ये दिखेगा भी नहीं तुम लोग को। और भाई ये ब्लेज, अबे हट ना यार तुम लोग क्या। और भाई यार ये जो ब्लेज है ना भूतों की तरह जो उड़ती रहती है ना, मुझे लग रहा है कि अगली बार ना मुझे यहाँ पे हनुमान चालीसा लेकर के आनी पड़ेगी, वही मुझे इन ब्लेज से बचा पाएगी। खैर कोई नहीं, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे मार दिया। और यार ये क्या यार, ये काला पपीता भी यहीं पर घूम रहा है भाई, इसका तो बस ये एक ही नारा मुझको लगता है कि हम दो और हमारे अनेकों। और अब ये मैंने इसको मार दिया, और भाई इसके और भी बच्चे, फिर उसके भी बच्चे, मतलब यहाँ पे लोग आते ही रहेंगे भाई साहब। ये यार ये सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ मेरे को लगती है ना माइनक्राफ्ट में, सबसे ज़्यादा बेकार मुझको बस यही लगता है। ये ना मतलब वो है ब्लैक कलर की, क्या होती है यार वो, एक होती है ना स्लाइम होती है ब्लैक कलर की। ओ भाई अबे हटना तेरी ऐसी थी, क्या यार जब देख रहा ना उनसे फाइट ले रही हूँ मैं तो पीछे पीछे आ रहा है। और भाई यार इन लोगों ने मेरे नाक में दम काटे, क्या यार ये मर जा रोको पीनो, अबे मर जा, अरे भाई मर, अबे भाई 1 के 3 हो गए अभी अभी मेरी आंखों के सामने, अबे मर जा प्लीज मर जा यार, क्यों तुम लोग मेरे खून पी रहे हो बे, मर जा कमीनो। और भी कोई बचा गया? और भाई यार ब्लेज एक सेकंड, मैं भाग जाता हूँ यार यहाँ से। ओ भाई इसका दिमाग गर्म हो रहा है यार ये मेरे को। ओ एक और, एक और, ओ भाई एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, नहीं 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 नहीं, ओ भाई भाई साहब सच में कह रहा हूँ यार, नेदर में आग लगना ना मतलब दिल जल जाता है मेरा, सच में कह रहा हूँ, ऐसी आग लगती है ना कि बुझती नहीं है भाई, यहाँ पे तो पानी भी काम नहीं करता है आग बुझाने के लिए। और भाई मेरे सामने एक ब्लेज है, भाई मेरे सामने एक ब्लेज है, मैं भाग रहा हूँ ऐसे यार, मैं नहीं मैं मेरे को चला दे कमीने ने, अबे क्या कर रहा है यार प्लीज मर जा, अबे ही क्या भाई, अब क्या कहूँ यार, इसको इग्नोर करना गाइस, इसको इग्नोर करना। और ये आग भी चलो बुझी गई है फिलहाल, तो मैं बच गया हूँ जैसे तैसे करके यहाँ पे। और फिर से यार ये मेरी हेल्थ यहाँ पे कमज़ोर हो चुकी है भाई, मेरे को ना यहाँ पे जब तक मैं बैठा रहूँगा जब तक मेरी हेल्थ नहीं भरेगी, शील्ड लगा के ही मैं बैठा रहूँगा यहाँ पे। और या फिर मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ कहीं और अच्छी से जगह पे जहाँ पे मैं हेल्थ भर के वापसी आ सकूँ। फिलहाल फूड तो मैंने खाया हुआ है तो जो मेरी हेल्थ है वो तो भरी जाएगी। और भाई ये ब्लेज यार यहाँ पे, अबे हट जा यार, क्या यार नहीं लगता तुम लोग से डर, और जब दो दो आते तब तो लगता भैया।
जब लगता है भैया पूरा पूरा डरमोकू। फिलहाल तो यार मेरे पास में आई थिंक एक सेकंड यार, मैंने अभी इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास मेरे ख्याल से तो हो गई होंगी ब्लेज रोड। तो मैं यहाँ पे अभी टॉर्च लगानी यार, क्या मैंने ब्लॉक लगा दिया, एक सेकंड यहाँ भी मैं लगा देता हूँ। तो गाइज अभी मेरी जो हेल्थ है वो तो भर गई थी, लेकिन अभी फिर से मेरा एक घमासान युद्ध हो गया था जिसके कारण फिर से मेरी हेल्थ जो है कमजोर हो गई थी। तो अभी मेरे को यहाँ पे जो है ब्लेज रोड तो मिल चुके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जितने भी नेदर ब्रिक्स हैं ना सारे के सारे ले जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब मैं दोबारा से कभी भी नेदर में नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि नेदर में आना मतलब अपनी पेटी बनवाना या फिर अपनी मौत यहाँ पे लिखवा करके जाना। तो अभी मैं यहाँ से जितने भी ये फैंस और नेदर ब्रिक्स है ना वो लेकर के चलता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ इनसे ना विलेजर्स के लिए एक नहीं भाई नहीं 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 मैं गया भाई मैं गया नहीं नहीं प्लीज एक दिल बचा मैं कमी चला जा यहाँ से चला जा प्लीज चला जा। और भाई क्या आ जाओ दिल पे बचाऊं भाई मैं, और भाई मेरे को लगा था कि मैं बच गया हूँ लेकिन नहीं बचाऊं मैं। और गाइस बस अब आप लोग गिन लेना कि मैं यहाँ पे अब कितनी बार और मरने वाला हूँ। Later. Another one. Another one. Hours later. Two thousand years later. तो गाइस आप में से काफी सारे होशियार लोग होंगे जिन्होंने मेरे मरने को जो है काउंट कर लिया होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने काउंट नहीं किया तो दुखी मत होइए। आप लोगों को मैं बता देता हूँ मैं यहाँ पे ज्यादा बार नहीं सिर्फ और सिर्फ 17 बार ही मरा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 17 बार। हाँ और हाँ मुझे काफी ज्यादा दुख ये भी हो रहा बताते हुए कि मेरी जो डायमंड की स्वॉर्ड थी, डायमंड की जो पिकैक्स थी वो भी यहाँ पे डिस्पॉन हो चुके हैं। अभी मुझे मेरी जो स्टोन की पिकैक्स ले आया था लेकिन अब ये भी खत्म होने वाले, लेकिन फाइनली गाइस अभी मैं यहाँ से जो अपना सामान लेकर के भागने में कामयाब हो चुका हूँ, और अभी यहाँ से मुझे बस जो नीचे जाना होगा। और भाई ये ब्लेज अबे हट जाना यार, क्यों तू मेरा दिमाग खराब करे, जा तो रहा हूँ यार मैं, तू क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही, जाने दे मुझको। तो गाइस अभी बस हम मुझे जो है यहाँ से नीचे जाना होगा, ब्लेज को तो मैंने मार दिया, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ नीचे, और ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैं नीचे आ गया हूँ। दरअसल गाइस मैं यहाँ पे जो है जानबूझ के ही मारा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना था कि हमें कभी भी जो है स्ट्रेट डिगिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप लोग के साथ भी यही हो सकता है। तो गाइस अभी लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं इतनी बार यहाँ पे मर चुका हूँ, लगभग ये 18वीं बार मैं आपकी बार मरा था, और आपकी बार मैं एक बार भी और मर गया ना, तो मैं अपना सामान दोबारा से यहाँ पे नहीं लेने के लिए आने वाला हूँ। मैं इससे अच्छा तो अपना सामान दोबारा से जो है बना लूंगा, लेकिन दोबारा अपना सामान लेने के लिए नहीं आऊंगा। और यार ये मेरा और भी यार काफी सारा सामान अब डिस्पॉन हो चुका है यहाँ पे भाई, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और पक चुका हूँ। खैर कोई नहीं, अभी मैं यहाँ पे आर्मर वगैरह पहन लेता हूँ अपना फिलहाल, अभी और क्या ही कर सकते हैं हम लोग, तो देख लेता हूँ मेरे पास आर्मर में क्या क्या है। तो ये पैंट है मेरी, यहाँ पे पहन लेता हूँ मैं।
ओ गाइस, अभी यहाँ पे मैंने अपना आर्मर वगैरह तो पहन लिया है, लेकिन अभी यहाँ से मुझको जो है ऊपर जाना होगा। लेकिन ऊपर जाने के लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक सीढ़ी बना देता हूँ, जिससे कि बार बार मुझे आने जाने में जो है आसानी होगी। और अभी मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और गाइस 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 एक सेकंड गाइस, अभी आप लोगों ने यहाँ पे मेरा फ्यूचर डिसाइड करना कि यहाँ पे मेरे साथ में क्या हो सकता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए जो है वीडियो को रोक दिया, अब आप लोग बताओ यहाँ पे मेरे साथ में क्या हो सकता है। तो खैर गाइस, अभी आप लोग अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिए। मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आ रहा था तो मैंने एक लावा को यहाँ पे बंद किया था, जो कि मैंने आप लोग को कहा भी था कि गाइस इस लावा को जो आप लोग याद रखना। तो गाइस वो जो लावा था वो मैंने ठीक यहीं पे ही बंद किया था। तो इसका मतलब है गाइस कि वो जो लावा है ना मेरे ठीक सर के ऊपर है, और अब इससे ज्यादा मेरे साथ में और हो भी क्या ही सकता था। बस काश मैं सीढ़ी बनाने की जगह पे ब्लॉक्स लगा के ही चला जाता तो आज मेरे साथ ये ना होता। तो खैर गाइस, बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। यार क्या ही वीडियो पसंद आई होगी, 19 बार मरा हूँ, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो फिर भी गाइस, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, बिल्कुल फोकट में है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और फिलहाल हम लोग चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।